अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टिचिंग कोर्स की पहली क्लास है, इसमें हम आपके साथ अपना 25 साल का तजुर्बा शेयर करेंगे। आप भी अपना तजुर्बा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इसमें हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे। ये टूल्स हमारे लिए स्टिचिंग में मददगार साबित होते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर फेसबुक पर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट ले रहे हैं तो कोई सूती कपड़ा या इस तरह से लें। मैं भी अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि अगर जब वो स्टार्ट ले रहे हैं तो अपने घर से कोई पुराना कपड़ा जैसे बेडशीट या इस तरह के कोई पीसीज लेकर आएँ जिनके ऊपर वो बासानी सारे काम अपने कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे फैब्रिक है जो कि कॉटन का है और इसके ऊपर आप करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ों की कटिंग और इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है, तो आप बासानी इसको हैंडल कर सकते हैं। जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं स्टिचिंग के हवाले से, उसमें सबसे पहले तो हमारा फैब्रिक हो गया है, सीज़र है। अच्छा, कैंची जब हम लेते हैं तो इस चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जिस कैंची से आप कपड़े कटिंग करते हैं उस कैंची से आप तार और कागज़ वगैरह नहीं कट कीजिएगा, क्योंकि जब हम कोई और चीज़ें उससे कट करते हैं तो उसकी धार पर फर्क पड़ता है और फिर वो अच्छे तरीके से कपड़े को कट नहीं कर पाती है। तो इसलिए आप जब भी करें तो कैंची कपड़े कटिंग के लिए अलग कैंची रखिएगा, और पैटर्न कटिंग करनी है या पेपर है या कुछ भी तो उसके लिए आप अलग से कैंची यूज़ कीजिएगा। मैंने भी मुख्तलिफ़ कैंचियाँ रखी हुई हैं, जैसे इससे पेपर वगैरह कट करने होते हैं तो इससे कटिंग होती है और कपड़े के लिए इस तरह से इससे कटिंग होती है। और जब हम कैंची कट करते हैं कैंची के लिए हम अलग से करेंगे, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा खोल के भी नहीं आप इस्तेमाल कीजिएगा और ज़ाहिर बहुत बंद करके भी नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे कि किस तरह से आप कैंची का यूज़ कर सकते हैं। धागे जो कि मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं जैसे स्टिचिंग के लिए, तो इस तरह के जो थ्रेड्स होते हैं वही होते हैं, ये मुख्तलिफ हैं। आप अपनी मैचिंग से लेकर और उनको इस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं। सिलाई मशीन आप अपनी सहूलत के हिसाब से सिलाई मशीन का इंतखाब कर सकते हैं, हाथ की हो, बिजली की हो, डोमेस्टिक और या इंडस्ट्रियल जो भी हो, आप उसी हिसाब से। और फिर प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कोई भी काम करने के लिए। ये कॉमन पिंस हैं जो कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो शर्ट हो या ट्राउज़र कोई भी कट कर रहे हों तो उनको आपस में ताकि वो होल्ड कर लें एक दूसरे को, तो हम इस तरह से पिनअप या लाइनिंग वाले कपड़ों की कटिंग कर रहे होते हैं उसमें इस तरह से इनको आपस में पिनअप करने के लिए ये हम कॉमन पिंस यूज़ करते हैं। ये सुइयाँ हैं जो कि तुरपाई के काम आती हैं, हाथ की जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर हाथ की कढ़ाई होती है या तुरपाई होती है तो उसके लिए। और सुइयों का भी इनके अलग अलग साइज़ होते हैं, कोई बारीक होती है, कोई थोड़ी सी मोटी सुइयाँ होती हैं तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। जैसे तुरपाई के लिए बारीक सुई इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जितनी बारीक सुई होगी उतनी ही ज़्यादा तुरपाई में भी फिनिशिंग आएगी। और तुरपाई के लिए आप हमारे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, उसकी वीडियोज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये हमारी मशीन की सुइयाँ हैं, इस तरह से इसके पैकेट्स होते हैं जो कि हम अपने मशीन में इसको फिक्स करते हैं और फिर हम अपनी मशीन का काम शुरू करते हैं। ये प्रेसिंग फुट हैं, वैसे तो बहुत सारे किस्म के प्रेसिंग फुट होते हैं लेकिन जो अब ज़ाहिर बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये है कि आप जो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं वो तो एक है सिंपल प्रेसिंग फुट है, जो भी हम स्टिच कर रहे होते हैं ये दोनों तरफ से ग्रिप कर लेता है कपड़े को और फिर जब हम इसके नीचे कपड़ा चलाते हैं तो इजीली कर सकते हैं। और ये सिंगल फुट होता है जो कि डोरी पाइपिंग वगैरह लगाने में और ज़िप भी से हो जाती है, लग जाती है, तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको। ये टेलर शॉक्स हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों में आती हैं और जब हम कपड़े की मार्किंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये इस्तेमाल होती हैं।
तो इससे बासानी हम जब भी कोई मार्क वगैरह करते हैं, लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो हम बासानी इससे लगा सकते हैं मार्क। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स के बटन हैं इस तरह से। इसमें देखिए ये चार सुराख वाले हैं, ये इस तरह से सादे जो फैंसी और फैंसी बटन भी होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम लगाते हैं। कुछ बच्चों के लिए होते हैं वो इनसे भी छोटे साइज़ के बटन होते हैं। बच्चों को इस तरह के जो होते हैं प्रिंट वाले और डिज़ाइनिंग वाले पिक्चर्स वाले बटन, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चों की ड्रेसिंग में हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जब हम बच्चों के या बड़ों के भी लगाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट बटन भी यूज़ होते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ बटन्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं, तो उसमें बटन की भी ज़रूरत होती है। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं टिच बटन, टिच बटन और हुक। टिच बटन जहाँ पे फोल्ड हो रहा हो, आप काज नहीं होते या पाइपिंग के नीचे कहीं, हम लगा सकते हैं इनको टिच बटन को इस तरह से। और शोल्डर बटन में भी ये टिच बटन यूज़ होते हैं। और ये हुक हैं, हुक भी मुख्तलिफ होते हैं, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। जैसे ये वाले जो बड़े साइज़ के हुक हैं, ये पैंट में इस्तेमाल होते हैं, साड़ी वगैरह में इनको लगाया जाता है ताकि इससे ग्रिप अच्छी आती है, क्योंकि बड़े होते हैं और वो होते हैं। ये छोटे हुक हैं जो कि ब्लाउज़ में यूज़ होते हैं, या अगर पाइपिंग वगैरह है कहीं उसके नीचे हम लगाते हैं, तो इस तरह से छोटे वाले हुक भी इस्तेमाल होते हैं। ये फैब्रिक ग्लू, जैसे अगर हम कॉलर बना रहे होते हैं, उसकी जो पोर्शन फोल्ड करने का होता है उसके ऊपर, या जहाँ पे आपस में दो पीसीस को अटैच करना है कहीं पाइपिंग में, जहाँ में ज़रूरत है प्लेकेट में, तो बिगनर्स के लिए ख़ासतौर से ये है कि अगर आप इसको यूज़ करके किनार पे लगा के और फिर कपड़े को पेस्ट कर लें, तो आपको काफ़ी सहूलत हो जाएगी काम करने में। ये हमारे टूल्स हैं, जैसे सीम ओपनर है। अगर बाज़ दफ़ा होता है कि कोई सिलाई हमारी गलत हो जाती है थोड़ी, या हमें जो टांका है वो रिमूव करने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो फिर हम ये सीम ओपनर यूज़ करते हैं। तो उससे ये होता है कि आसानी के साथ हम इसमें कट लगाकर उस थ्रेड में, और फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये भी मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। जैसे अगर प्रेसिंग फुट हमने चेंज करना है, और बाज़ दफ़ा अगर मशीन का कोई स्क्रू वगैरह है उसको लूज़ एंड टाइट की ज़रूरत है, तो हम उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। और ये छोटे टूल्स जो होते हैं, ये हमारे अगर कहीं हम स्टिचिंग के दौरान कोई बारीक जगह है जहां हम हाथ से इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते, वहां पर हम ये इस तरह की छोटी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेसिंग व्हील, और ट्रेसिंग व्हील जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होता है कि जैसे अगर हमने फिटिंग की मार्किंग की हुई है शर्ट के अंदर, और हमें सेकंड साइड पर भी इसको मार्क करना है, तो जैसे ये आपका फैब्रिक है, इसके ऊपर आपने इस तरह से रखा है, ठीक है, अब ऊपर तो ये आपकी मार्किंग हो चुकी है इस तरीके से। अब नीचे आपने करनी है, तो अगर खाली हम ऐसे भी कोई हार्ड सरफेस पे रखे करेंगे, तो ये हमारे मार्क ऊपर भी आ गए, और ये देखिए ये नीचे की तरफ भी आ गए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े डार्क रहें, तो इस तरह से कार्बन पेपर जो कि हमारे इनकी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, उसको भी इसी तरह से अंदर की साइड रख के, जो इसका पॉलिश वाला साइड है इंक वाला, वो आप नीचे की तरफ रखिएगा, और इस तरह से ऊपर की साइड रख कर, और फिर जब हम इसी मार्क के ऊपर हम ये चलाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर बैक पर इसके प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से होता है कि जब हम फिटिंग कर रहे हों वो, तो एक मार्क तो हमने ये जब हम मेजर कर रहे थे, इसकी पैटर्न रेडी कर रहे थे, या इसकी फिटिंग का मार्क कर रहे थे, तो उस टाइम हमने लगा लिया है। और सेकंड आप इस तरह से भी इस तरह का लगा सकते हैं। इलास्टिक इस्तेमाल करते हैं हम, ज़ाहिर ट्राउज़र्स हैं, शलवार है, उसमें हम इलास्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अलग साइज़ के हैं। जैसे ये वाला जो है, ये 7 इंच का इलास्टिक है, ये इस्तेमाल करते हैं। ये 1 इंच वाला इलास्टिक है, जो कि हम उमूमन फिर बच्चों के लिए ट्राउज़र्स वगैरह रेडी करते हैं,
और वो तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा फ्रेंच कर्व है, इससे आप मार्किंग करते हुए जैसे आर्म होल की आपने कटिंग का मार्क करना है, नेक लाइन की आपने मार्किंग करनी है, उसको कोई शेप देना है तो उसमें इस तरह से, कहीं नेक लाइन के डिज़ाइनिंग आपने करने हैं तो उसमें इस तरह से इनकी मदद से हम जहाँ पे ख़ासतौर से कर्व वाला एरिया है वो हम कवर कर सकते हैं और उसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेजरिंग टूल्स की तरफ। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ हैं, जैसे कि ये स्केल है जो कि अगर हमें कहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है शोल्डर, इससे इजी रहता है मार्किंग करने में कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हार्ड होने की वजह से इजीली रख कर और इससे हम सारी मार्किंग वगैरह कर सकते हैं। ये शेप स्केल है जो कि ट्राउज़र्स की कटिंग में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा काम आता है, इससे आप स्लीव्स की भी मार्किंग कर सकते हैं, ट्राउज़र की कटिंग इससे बहुत अच्छे तरीके से होती है। इंच टेप है जो कि 60, इसकी जो लंबाई होती है वो 60 इंच की होती है। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर इंचेस में इसका इस्तेमाल होता है, जबकि बाद ममालिक में सेंटीमीटर से इसकी मेजरिंग की जाती है। तो इंच टेप के एक तरफ इंचेस में होता है और इसके सेकंड साइड पे इंच सेंटीमीटर में इसकी मार्किंग हुई हुई होती है, इस तरह से प्रिंट होता है। ये हमारा एल शेप स्केल है, इसमें भी इंचेस यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, आप बासानी यहाँ पे भी अगर इंचेस का ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यहीं से हम मार्क कर सकते हैं। और अगर जैसे बाज़ दफ़ा ये होती है कि हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा है और जो उसका जो अरस का हिस्सा है उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो आप इसको इस तरह से किनार के साथ रखिए और यहाँ से इस पे लाइन ड्रॉ कीजिए या इसके साथ मार्किंग करके जब करेंगे तो बिल्कुल कपड़ा स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा, और या स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं फ्यूजिंग। तो फ्यूजिंग जो है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, इनकी क्वालिटीज़ भी होती हैं काफ़ी। जो ज़्यादा उमूमन यानी इस्तेमाल होती है वो ये प्रेस बुकरम जिसको हम बोलते हैं, ये फ्यूजिंग ये इस्तेमाल होती है जो कि नेक लाइन बनाने में और ख़ासतौर से लेडीज़ के उसमें यही वाली बुकरम इस्तेमाल की जाती है। इसकी एक तरफ ये स्लोशन होता है जहाँ से पेस्टिंग होती है आयरन की मदद से, और सेकंड साइड ये हम इसके ऊपर कोई भी नेक लाइन वगैरह ड्रॉ करके उसको कट कर लेते हैं और फिर उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं। एक ही थोड़ी होती है, ये हार्ड होती है और उमूमन जेंट्स में इस्तेमाल होती है, लेडीज़ के भी अगर कॉलर हैं या कुछ तो उससे हार्ड बनती है तो उसमें इस्तेमाल होती है। इसका भी यही होता है फ्यूजिंग का, इसके एक तरफ स्लोशन है और सेकंड साइड प्रेस है, तो इस तरह से हम रख के इसको प्रेस कर लेते हैं। ये जो फ्यूजिंग है, पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं इसको, ज़ीरो की बुकरम भी कहते हैं, ये दूसरी बुकरम के मुकाबले में बारीक होती है। अगर हम इसको कपड़े के ऊपर भी लगाएं तो नीचे से हमारा ये कपड़ा भी नज़र आ रहा है, लेकिन सॉफ्ट होने की वजह से ये इजी रहती है, ज़्यादा हार्ड लुक नहीं देती है। लेकिन इससे कुर्तीज़ के गले वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, ख़ासतौर से अगर बच्चों के उसमें लगाएं तो उनके लिए बहुत सॉफ्ट होती है, तो बच्चे ज़्यादा जैसे हार्ड की वजह से परेशान नहीं होते। और गलों की जो हम डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं उसमें इसको इस्तेमाल इसका बहुत अच्छा रहता है और आसानी से हम सारे जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये बुकरम है जो कि हम पैंचों में उमूमन इस्तेमाल करते हैं, और इसका भी यही है कि इसकी एक तरफ ही सॉल्यूशन है और स्ट्रिप फॉर्म में होता है तो इजी रहता है पैंचों के लिए इसको इस्तेमाल करना, और फ्लैकेट में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये इजी रहता है कि यहाँ से सॉल्यूशन है, इसको पेस्ट किया और आपने अपने पैंचे वगैरह रेडी कर लिए। और इसमें भी मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, जैसे ये एक इंच वाला है तो इसी से सवा इंच में भी होता है, डेढ़ में भी, और इससे बारीक भी होता है। ये एक इंच वाला है जो आपके सामने है। अब बारी आती है आयरन की, जो कि हर घर की एक बुनियादी ज़रूरत है। मेरे पास जो मौजूद हैं वो एक ये स्टीम आयरन है और दूसरी जो है वो सादी वाली हैं।
जब फैंसी कपड़ों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो हम स्टीम आयरन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे बहुत फिनिशिंग के साथ होती है, और स्टीम जब दी जाती है फैंसी कपड़ों पे तो ऑटोमेटिकली उसकी फिनिशिंग आ जाती है। और कॉटन और लॉन वगैरह के लिए हम ये सादी वाली से इस्तेमाल करते हैं। अगर जब हम अपने स्टिचिंग का काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम ये छोटी जो कि थोड़ी वेट में कम है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेकलाइन वगैरह प्रेस करने में हमारे लिए मददगार साबित होती है। क्या आपको ये क्लास पसंद आई होगी? इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।